हेलो स्टूडेंट, आई एम एन कमल सिंह, हिंदी टीचर इन मोती चिल्ड्रन स्कूल गुना। होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण। व्याकरण होती क्या है, व्याकरण किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, ये जानेंगे हम। इसके अलावा व्याकरण का एक पार्ट है संज्ञा। इसी तरह एक एक करके हम सभी पार्ट व्याकरण के पढ़ेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हिंदी व्याकरण। व्याकरण होती क्या है, व्याकरण वह साधन है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध लिखने, पढ़ने एवं समझने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो नॉर्मली स्पष्ट हो रहा है इससे कि व्याकरण वह साधन है जिससे हम किसी भी भाषा को क्रमबद्ध रूप से एवं शुद्ध तथा सही तरीके से पढ़ने एवं लिखने में इसका समझने में प्रयोग करते हैं, ठीक है? उदाहरण के तौर पे देखते हैं हम व्याकरण के माध्यम से शब्दों का क्रम एवं उनके प्रयोगों की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, व्याकरण के माध्यम से हम शब्दों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है? और उनका प्रयोग कैसे करना है, ये जानकारी हमें व्याकरण से ही प्राप्त होती है। जैसे एग्जांपल देख लीजिएगा आप, वह गाय काली है। आगे, व्याकरण की दृष्टि से यह वाक्य अशुद्ध है। क्यों है अशुद्ध? क्योंकि उसमें वर्ड जो है उनको क्रमबद्ध रूप से नहीं व्यवस्थित किया गया है, ठीक है? जबकि आगे देखना, जिसका शुद्ध वाक्य होगा वह काली गाय है। यह वाक्य हमें शुद्ध लग रहा है क्योंकि ये वाक्य शुद्ध है ही। इसी प्रकार शुद्ध वाक्यों एवं शब्दों का प्रयोग ही व्याकरण कहलाता है। ये डेफिनेशन रहेगी आपकी कि व्याकरण क्या कहलाता है। तो शुद्ध वाक्यों एवं शब्दों का प्रयोग ही क्या कहलाता है, व्याकरण। क्या कहलाता है, व्याकरण। व्याकरण की परिभाषा पढ़ेंगे अब हम। व्याकरण की परिभाषा, उपरोक्त में हमने व्याकरण की परिभाषा प्रस्तुत की है, पर कुछ पुस्तकों में हमने इस परिभाषा को भी देखा जिसके द्वारा हमें किसी भाषा का शुद्ध बोलना लिखना एवं समझना। बात वही की है जो हमने पहले पढ़ी थी, बस घुमा फिरा के उसको यहाँ पे दर्शाया गया है कि किसी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना एवं समझना, बस यही व्याकरण है। या दूसरे शब्दों में कहें तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा का शुद्ध मानक रूप निर्धारित किया जाता है। अब मानक रूप क्या होता है? मानक से तात्पर्य वह भाषा जो पूरी तरीके से शुद्ध है, यानी कि जिसमें क्षेत्रीय परिवर्तन के कारण या क्षेत्रीय भाषा के मिलाप के कारण कोई चेंजेस नहीं आए हैं, वो हमारी मानक भाषा है, ठीक है? तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा का शुद्ध मानक रूप निर्धारित किया गया है। ये आपको नोट डाउन करना है। अब चलिए व्याकरण के प्रकार, व्याकरण के कौन कौन से प्रकार हैं। तो व्याकरण निम्न प्रकार की होती है, वर्ण या अक्षर के आधार पर, शब्द के आधार पर और वाक्य के आधार पर। तो व्याकरण कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। कौन कौन सी? वर्ण की या अक्षर के आधार पर, शब्द के आधार पर और वाक्य के आधार पर, ठीक है? अब व्याकरण के अंग कौन कौन से हैं ये पढ़ेंगे हम। तो व्याकरण के तीन ही अंग होते हैं। कौन कौन से? ध्वनि, पद और वाक्य। ध्वनि, पद और वाक्य, ये क्या है, व्याकरण के तीनों अंग हैं। कौन कौन से हैं? ध्वनि, पद, वाक्य। व्याकरण के कितने अंग हैं और? तीन अंग। कौन कौन से? ध्वनि, पद और वाक्य, ठीक है?
ये व्याकरण के अंग हैं। अब हिंदी व्याकरण होती क्या है? व्हाट इज़ हिंदी ग्रामर? ग्रामर किससे मिलकर बनी है? क्या होती है ग्रामर? ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो जो संपूर्ण व्याकरण है, हिंदी व्याकरण, वो इन चीज़ों से मिलकर बनी है, या ये सब एक पूरी व्याकरण में ये सब आते हैं। क्या क्या आते हैं? अलंकार, संधि, समास, कारक, वचन, लिंग, सर्वनाम, संज्ञा, रस, छंद, इन्हीं सबको मिलाकर एक संपूर्ण व्याकरण की रचना की गई है, ठीक है। तो व्याकरण होती क्या है? इनका सबका संयोग ही व्याकरण है, ठीक है। अब व्याकरण का हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है? संज्ञा। संज्ञा, संज्ञा होती क्या है ये जानेंगे हम। संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के पार्ट कितने हैं ये जानेंगे, ठीक है। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा अर्थात नाम। संज्ञा अर्थात नाम, यानी कि किसी का नाम क्या कहलाता है? उसकी संज्ञा कहलाता है। यह भी कहा जा सकता है कि किसी का नाम ही उसकी संज्ञा है, किसी का नाम ही उसकी संज्ञा है, इससे वह जाना जाता है। उसकी पहचान किस नाम से है? वही उसकी संज्ञा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। नोट डाउन करिएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम, जैसे राम, श्याम, भारत, जापान, मेज, कुर्सी, कलम, होली, दिवाली, गंगा, यमुना, पूरब, पश्चिम इत्यादि। ये क्या है? ये क्या है? ये सभी संज्ञा हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको संज्ञा ढूंढना है। इस एग्जाम्पल में दिन निकल आया, उदाहरण, दिन निकल आया, पक्षी चहचहाने लगे, आकर्षक विद्यालय जाने की तैयारी करने लगा। आकर्षक किसी का नाम है, विद्यालय जाने की तैयारी करने लगा। सूर्य की रोशनी से उपवन की सौंदर्यता खिल उठा, या उपवन का सौंदर्य खिल उठा। अब इसमें जहाँ जहाँ हाइलाइटेड है वहाँ पे संज्ञा रहेगी हमारी, ठीक है। कौन विद्यालय जा रहा है? आकर्षक। तो आकर्षक का नाम क्या है? किसके अंतर्गत आएगा? संज्ञा के अंतर्गत, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम संज्ञा और उसके भेद। संज्ञा और उसके भेद, क्या क्या भेद हैं संज्ञा के, कितने प्रकार की संज्ञा होती है। तो संज्ञा के नॉर्मली पांच भेद होते हैं। पांच भेद कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब एक एक करके हम इनको रीड करेंगे। नोट डाउन करिएगा फ्रेंड, संज्ञा के भेद कितने हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद हैं? पांच भेद। कितने भेद हैं? पांच भेद। चलिए फर्स्ट है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन, इसकी डेफिनेशन क्या है? जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का, देखिएगा, किसी एक वस्तु का, यानी कि इसमें किसी दूसरी वस्तु का या समूह का कोई नाम नाम भी नहीं है, किसी एक वस्तु या व्यक्ति को का बोध हो। जिस शब्द में हमें किसका बोध हो? एक ही व्यक्ति का बोध हो, एक ही वस्तु का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम विवेकानंद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, राम और श्याम, ठीक है। समुद्रों के नाम आ जाएंगे, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, काला सागर, भूमध्य सागर, ठीक है। दिशाओं के नाम आ जाएंगे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है।
देशों के नाम आ जाएंगे, भारत, अमेरिका, चीन, बर्मा, पाकिस्तान। इसके अलावा राष्ट्रीय जातियों के नाम आ जाएंगे, भारत, जापान, अफगानी, रूसी, अमेरिका। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आइए जातिवाचक संज्ञा पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे शब्द जिनसे एक ही जाति का अथवा प्राणियों का, वस्तुओं का, स्थानों का बोध हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा उन्हें हम कहेंगे। एग्जाम्पल देखें, जैसे संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम, जैसे माता पिता, भाई बहन, मंत्री, टीचर, चोर, नाई, ठग। अब नाई है तो नाई में सभी तरह के बाल काटने वाले होंगे, चोर है तो चोरों में भी सभी तरीके के चोर होंगे। ठीक है, टीचर्स को देख लीजिए, टीचर भी सभी तरीक़ों के होंगे। इस तरह ये जाति वाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब प्राकृतिक तत्वों के नाम, वर्षा, बिजली, ज्वालामुखी, आंधी, भूकंप। ठीक है, वस्तुओं के नाम, कंप्यूटर, कुर्सी, मेज, पुस्तक, कलम, मकान आदि। पशु पक्षियों के नाम, गाय, भैंस, बैल, घोड़ा, कौवा, तोता और मैना। तो ये क्या हुई हमारी, ये जातिवाचक संज्ञा है, नोट डाउन करिएगा। पर्वतों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पर्वतों में क्या क्या है? हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, काराकोरम। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, कावेरी, सिंधु, बोलगा। नगरों एवं चौकों, सड़कों के नाम, अशोक मार्ग, वाराणसी, इलाहाबाद, चांदनी चौक, बंद रोड, बैंक। पुस्तकों के नाम, रामचरितमानस, ऋग्वेद, सामवेद इत्यादि। ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम, अक्टूबर क्रांति, पानीपत की लड़ाई, सिपाही विद्रोह। ठीक है, अब आ जाइए भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा होती क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, स्थिति या भाव समुदाय आदि का पता चलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी भी प्रकार का काम करने से, क्रिया करने से हमें घबराहट होती है, तो घबराहट किसके अंतर्गत आती है? भाववाचक संज्ञा। सजावट, दौड़, चढ़ाई, बढ़ाव, बहाव, मारना। ठीक है, विशेषण में देखें तो कठोरता, मिठास, गर्मी, सर्दी, चतुराई इत्यादि। सर्वनाम में देखें तो अपनापन, ममता, ममत्व, निजत्व। जातिवाचक संज्ञा से बुढ़ापा, लड़कपन, मित्रता, दासत्व, पंडिताई इत्यादि। अव्यय से देखें तो वाहवाही, शाबाश, दूरी, समीप इत्यादि। ये किसके अंतर्गत आते हैं? भाववाचक संज्ञा के। चलिए नेक्स्ट है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। द्रव्यवाचक संज्ञा होती क्या है? इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, द्रव मतलब पदार्थ। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव या पदार्थ का बोध हो, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव या पदार्थ का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाओं की एक और ट्रिक है, द्रव्यवाचक संज्ञाओं को गिना नहीं जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? इनको गिना नहीं जा सकता। क्या किया जा सकता है? ओनली इनकी केवल माप तोल की जा सकती है। तो जिन संज्ञा शब्दों में
जी ये डेफिनेशन रहेगी आपकी, जिन संज्ञा शब्दों में केवल माप तोल वाली वस्तुओं का बोध होता हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे, जैसे दूध, दूध को माप नहीं सकते, सॉरी गिन नहीं सकते, दूध, दही, पनीर, तेल, सोना, चांदी आदि, इन चीज़ों को आप गिन नहीं सकते, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आएंगी, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। चलिए अब आ जाइए आप समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा होती क्या है, तो जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह का बोध हो यानी किसी ग्रुप का बोध हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, सेना, टोली, भीड़, मंडली, गिरोह, काफिला, सभा इत्यादि, ये किसके अंतर्गत आएंगे, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये आएंगे। नोट, यह सभी को एक इकाई में व्यक्त करने के कारण एक वचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। अगर इन सभी को हम एक इकाई में व्यक्त करेंगे तो फिर ये किस में चले जाएंगे, एक वचन में प्रयुक्त होंगे, ठीक है। इसी के साथ ही आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टूडेंट, जैसा आपको लगे कि कुछ कमियां हैं या फिर कुछ समस्याएं हैं या फिर आपको जो भी डाउट हो वो कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं, ठीक है। बाय।